सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है संडे स्पेशल एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा यूजर्स के कमेंट्स के, जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं उन कमेंट में से हम कुछ यूनिक कमेंट इस पर्टिकुलर एपिसोड में लेके आते हैं। फिर जो भी डाउट्स रहेगा यूजर्स के या सब्सक्राइबर्स के मन में, उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुझे डेली ऑन एन एवरेज 200 टू 250 कमेंट्स मिलते हैं, तो सभी कमेंट्स को तो ये एपिसोड में लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी यूनिक कमेंट्स या फिर जितने भी लेटेस्ट कमेंट रहेंगे उन सभी पर्टिकुलर कमेंट्स को हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में ले लेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को फ्रेंडशिप डे की काफी सारी बधाइयां। आज अगस्त का फर्स्ट संडे फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, तो हमारी तरफ से सभी दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्त का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, और आप सभी को पता है लाइफ के हर एक स्टेज में दोस्त होना जरूरी है। हालांकि जो पुराने दोस्त रहते हैं वो तो काफ़ी दिल के करीब रहते हैं, सभी को पता है। मतलब जो भी स्कूल टाइम के साथ हमारे साथ रहते थे तो उनका एक साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग रहा करता था। हमारा भी एक ग्रुप है जो स्कूल टाइम से लगभग 25 साल की दोस्ती है हमारी, और आज तक भी कंटिन्यू है, और भगवान से दुआ करता हूँ कि आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्त को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, सुख में भी दोस्त चाहिए, हम दुख में भी दोस्त चाहिए, हर एक चीज़ में हमको दोस्त की ज़रूरत हमेशा लगती है। पेरेंट्स और फैमिली के बाद दोस्ती आता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि दोस्त हमारे एक फैमिली का पार्ट ही रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को अपना अपना एक अच्छा दोस्त मिला रहेगा, या फिर एक अच्छा ग्रुप मिला रहेगा, और फिर उनके साथ आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आज का सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे तो पहले एक्चुअली मुझे जेटी जोन्स हमारे सब्सक्राइबर है पुराने, उन्होंने तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन के लिए बड़ी कमेंटिंग कर दी है, तो मैं फटाक से ये रैपिड फायर क्वेश्चन आपके साथ ले लेता हूँ। उन्होंने पूछा है कि एसएस जेनफोन 5G या फिर वीवो नेक्स, अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो यार मैं वीवो नेक्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि वीवो नेक्स एक बेहतरीन फोन है और एक अलग ही लेवल पे फोन है। मतलब वो अगर बोला जाए तो इवन मैं वनप्लस 6 और वीवो नेक्स में भी वीवो नेक्स को ही चूज करूंगा, क्योंकि मुझे वीवो नेक्स काफी बेहतरीन पसंद आया हर एक एस्पेक्ट में, चाहे फिर वो कैमरा हो, चाहे फिर वो उसका पॉपअप कैमरा हो, या फिर बैक कैमरा हो, या फिर बैटरी लाइफ हो, डिस्प्ले हो, हर एक चीज में वीवो नेक्स वनप्लस 6 से भी बेहतरीन है। तो दोस्त सबसे तो पहला सवाल का आंसर है तुम्हारा वीवो नेक्स। अभी सेकंड सवाल उन्होंने काफ़ी बड़ा पूछा है, शर्मा जी टेक्निकल या फिर गैजेट्स टू यूज़। एक्चुअली मैं शर्मा जी टेक्निकल और गैजेट्स टू यूज़ इन दोनों की चैनल काफ़ी नहीं देखता, लेकिन अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो मैं गिकी रंजीत सर का चैनल देखता हूँ, और फिर सी4ETech का चैनल देखता हूँ। तो ये दो मेरे फेवरेट टेक यूट्यूबर है आज की तारीख में। इसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा है कि इफ़ यू वॉन्ट टू लिव विद वन फोन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विच वॉट विल बी दैट फोन। अरे भाई, पूरे लाइफ में एक ही फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि मैं तो गैजेट फ्रेंडली इंसान हूँ, और मुझे हर एक नए नए टेक्नोलॉजी के साथ नया नया गैजेट्स यूज़ करना पसंद आता है, लेकिन ऐसा तो कुछ फ़ोन है नहीं मेरे पास। लेकिन आज के तारीख में अगर आप पूछोगे अगस्त 2018 आज करंट डेट में अगर आपको बोलना है कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, तो मैं गैलेक्सी S9 प्लस आपको बोलूँगा, क्योंकि मेरा एक्चुअली मैं जब भी फ़ोन कोई रिव्यू नहीं करता तो मेरा डेली ड्राइवर गैलेक्सी S9 प्लस ही रहता है। कैमरा बढ़िया है, मुझे डिस्प्ले उसका काफ़ी अच्छा पसंद आता है, हालांकि बैटरी की थोड़ी बहुत कमी ज़रूर है उसमें। मतलब एक दिन में बैटरी तो आराम से हो जाती है, लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हो तो फिर आपको शाम को टॉपअप करना पड़ता है, लेकिन गैलेक्सी S9 प्लस मेरा फेवरेट फ़ोन है। आगे पूछा है फेसबुक या इंस्टाग्राम। यार मैं इंस्टाग्राम में अभी तक नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक मुझे पसंद है तो मैं फेसबुक का ही नाम लूँगा, लेकिन आजकल मुझे पता है इंस्टाग्राम बहुत ही फेमस है, तो जल्दी इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और स्मार्ट बैंड या फिर स्मार्ट वॉच मुझे पसंद है। व्हेन विल यू कोलैब विद मी। यार ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब भी मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपके साथ जरूर कोलैब कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिनोवो या माइक्रोमैक्स, मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। विच कार डू यू हैव। आई डोंट हैव एनी कार, मैं फिलहाल मेरे पास कोई कार नहीं है। और मुंबई और दिल्ली एक्चुअली दोनों ही प्लेस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन करीबन मेरा पूरा 20 साल मेरे लाइफ के मुंबई में ही गए हैं, तो फिर मैं मुंबई को ही चूज़ करूंगा। तो ये था एक रैपिड फायर क्वेश्चन। अभी आगे का एक सवाल लेते हैं, वो है आशीष का, और बोलते हैं कि ब्रो मुझे एसुस 5G लेना है, लेकिन फ्रंट कैमरे का परफॉर्मेंस कैसा है और क्या करूँ। तो देखो दोस्त यार, कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता है, फिर आप 5G ले लो या फिर वनप्लस 6 ले लो या फिर और कोई भी फ़ोन ले लो, कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता है। 5G में भी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, आपको पता है गैलेक्सी S9 प्लस में भी फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का ही है, और जबकि गूगल पिक्सल में भी पिक्सल 2 में भी फ्रंट फेसिंग कैमरा 8 मेगापिक्सल का ही था। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करते तो फोटो इतनी बढ़िया नहीं आती है जितनी वनप्लस 6 की आती है फ्रंट कैमरा से, तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में वीक है फ्रंट फेसिंग कैमरा 5G का, जेनफोन 5G का। अभी ये इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में। डे टू डे
लाइफ में वो आराम से चल जाएगा। अगर आप बहुत ही सोशल मीडिया के काइंड ऑफ इंसान हो कि आपको हर एक फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी अच्छी लगती है या फिर वो टाइप के इंसान हो तो फिर आप OnePlus 6 के साथ चले जा सकते हो। लेकिन आपको भी पता है सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो कंप्रेस होकर ही जाती है, ना कि फुल मतलब जो भी ओरिजिनल क्वालिटी पे जाती है। और बाकी तो रियर फेसिंग कैमरा का परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, मैं जल्दी नया कैमरा कंपेरिजन का वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आपका बजट नहीं होगा और आप मतलब OnePlus 6 अफोर्ड कर सकते हो तो आप OnePlus 6 के साथ चले जाओ। अगर आपका टाइट बजट रहेगा तो आप सिर्फ फ्रंट फेसिंग कैमरा का परफॉर्मेंस वीक होने के इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से आप Asus को ना मत बोल दो, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। मैंने भी काफ़ी दिन तक उसको एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ किया और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अभी आगे का एक सवाल है, वो है अरुण का है और वो बोलते हैं कि न्यू अपडेट में कैमरा बेटर है क्या OnePlus 6 वर्सेस 5Z। एक्चुअली न्यू अपडेट जो 5G में आया है, मैंने एक्चुअली पूरा एक दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि 5G को एक नया अपडेट मिलने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपडेट ऑलरेडी जो मिला था 31 जुलाई को वही अपडेट था, 60MB वाला अपडेट। लेकिन वो 60MB वाले अपडेट में चेंज लॉक पूरा नहीं दिया था, तो ये जो चेंज लॉक था वो डिफरेंट था। लेकिन अगर उस अपडेट के रेफरेंस से बात करते हैं तो डे लाइट फोटोज़ में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है 5G में, लेकिन लो लाइट फोटो में इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि मैं बोलूँ कि लो लाइट फोटो पहले से भी थोड़ी ख़राब हो गई है। मतलब एक्सपोजर लेवल बराबर से एडजस्ट नहीं हो पाता, कलर कॉन्ट्रास्ट बराबर से एडजस्ट नहीं हो पाते, और ये एक इशू लो लाइट फोटोज़ में दिखाई दे रही है। तो मैं ये जो कैमरा कंपेरिजन का एक वीडियो है वो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा OnePlus 6 और 5G का, तो उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है दोनों ही कैमरा के इसमें। लेकिन डे लाइट परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अभी आगे का कमेंट है वो है महाकाल के, वो बोलते हैं कि सर फ़ोन लेना है, आपको ओपिनियन चाहिए। मैंने Asus लेजर लिया था, Asus सेल्फी लिया था, दोनों फ़ोन एक महीने में के अंदर ही ख़राब हो गए। एक्चुअली मैंने भी Asus का ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैं Asus का वो Max Pro लिया था 10,000-11,000 में, लेकिन वो तो रिव्यू करने के बाद उसको निकाल दिया, बेच दिया। तो ये पहला फ्लैगशिप फ़ोन है मेरे साथ भी Asus का, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा है मैं आपको बोल नहीं सकता कि कितने टाइम तक Asus अपडेट देगी या फिर कितने टाइम तक ये फ़ोन चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से फ्लैगशिप फ़ोन है तो 2 साल तक आराम से चल जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो या फिर पंगा नहीं होना चाहिए। और बाकी तो जनरल बात करते हैं तो अगर आपका 27-28,000 तक ही बजट रहेगा तो ये फ़ोन आप आग बंद करके ले लो, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो 35-36,000 तक जा सकते हो तो फिर आप OnePlus 6 के साथ जा सकते हो, या फिर और भी अगर आपका बजट रहेगा तो आगे और भी सारे ऑप्शन है। लेकिन 35,000 तक बजट रहेगा तो फिर OnePlus 6 ले लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि OnePlus 6 2 साल तक कंटिन्यू अपडेट्स देगा, आग बंद करके अपडेट्स दे देगा, इतना मुझे पक्का खबर है। क्योंकि OnePlus 3 को आज भी एंड्रॉयड पी मिल रहा है 2 साल के बाद, तो आप समझ सकते हो कि OnePlus 6 को भी आगे 2 साल में एंड्रॉयड क्यू और उसके बाद जो भी वर्जन आएगा वो मिल जाएगा। तो अगर आप अपडेट की बात करते हो तो OnePlus 6 अच्छा है, अगर आपको अपडेट से कुछ लेना देना नहीं है तो Asus 5 काफ़ी अच्छा और बजट ओरिएंटेड फ़ोन है। आगे त्रिक बोलते हैं कि मुझे ऐसा कवर चाहिए जिसमें OnePlus का लोगो दिखता हो। भाई एक्चुअली ऐसा कवर आपको इसमें ही मिल जाएगा, क्या बोलते हैं OnePlus के ऑनलाइन स्टोर में जो कवर मिलते हैं बैक कवर, उसमें OnePlus का लोगो निकाला रहता है, तो वो लेकिन वो महंगे रहते हैं। मतलब अभी आप जाओगे तो करीबन 900 रुपये में आपको वो सैंडस्टोन या फिर कार्बन ब्लैक वाला कवर मिल जाएगा जिसमें पीछे ऐसा OnePlus का लोगो रहता है। ये मेरा 170 वाला कवर है जो मैंने कल ये आपके लिए वीडियो बनाया था, तो काफ़ी अच्छा चलता है उसमें, लेकिन इसमें लोगो नहीं है। तो अगर आपको लोगो चाहिए तो फिर ऑनलाइन स्टोर से आप OnePlus के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। आगे अभिषेक अखिलेश बोलते हैं केस फॉर Zenfone 5G। अभी तक तो मैंने कुछ केस नहीं लिया है, मैं तो डिफॉल्ट केस ही यूज़ करता हूँ क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट केस है और अच्छा लगता है। अगर मतलब Asus का लोगो अगर डिस्प्ले होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, कलर्स भी डिस्प्ले होता है और ग्रिप भी अच्छी मिलती है, तो इसलिए तो मैं तो डिफॉल्ट केस ही यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप Amazon से कुछ अलग अलग केस ट्राई कर सकते हो अगर आपको खरीदना चाहिए तो, लेकिन मेरे हिसाब से डिफॉल्ट केस भी काफ़ी अच्छा काम कर देता है। आगे का एक सवाल है वो है मानस का, वो बोलते हैं कि लावा रेड के लिए बताएं सर। एक्चुअली लावा रेड के लिए अमेजोन पे रेड कलर का बैकग्राउंड मतलब रेड कलर का बैक कवर काफ़ी सारे अवेलेबल है, तो आप उसमें से कुछ ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो सस्ते नहीं है, थोड़े बहुत महंगे हैं, 300-400-500 रुपये के। सस्ते वाला तो आपको ब्लैक में ही मिल जाएगा या फिर आप OnePlus का ऑनलाइन स्टोर से भी देख सकते हो। आगे राजू भाई बोलते हैं कि नाइस वीडियो और क्या बोलते हो, कैन आई गेट अ चीपेस्ट OnePlus 5D स्किन। एक्चुअली मैं तो आपको बोलता हूँ चिपेस्ट OnePlus 5D स्किन के लिए आपको कुछ एक इंडिया का एक साइट है ऑनलाइन लोकल साइट कुछ गैजेट्स शील्ड करके, उसमें आपको स्किन मिल जाएगा। मैंने तो एक बार यूज़ किया था लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा पर्सनली। मुझे डी ब्रांड का स्किन काफ़ी अच्छा पसंद है, महंगा रहता है 1200-1800 रुपये का रहता है, लेकिन परफेक्ट फिट होता है, अच्छी ग्रिप मिलती है और काफ़ी लंबा चलता है।
तो अगर आपको स्कीन खरीदना है तो फिर एक तो गैजेट शील्ड से खरीद सकते हो या फिर डी ब्रांड से डायरेक्टली खरीद सकते हो। रुपेश भाई बोलते हैं कि 5.1.4 अपडेट कैसा है, बैटरी लाइफ या फिर उसमें कुछ इशू है क्या? इसका मैं एक बैटरी लाइफ का जल्दी ही एक वीडियो अपडेट कर दूंगा कि मुझे कैसी बैटरी लाइफ मिली, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ इंप्रूवमेंट है, लेकिन स्टेबल बैटरी लाइफ है। जैसे पहले मुझे 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था, वैसे ही मुझे 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आज भी मिल रहा है सेम 5.1.4 में। तो कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस कम भी नहीं हुआ बैटरी का और काफ़ी अच्छा स्टेबल है। आगे कलर प्लस 26 बोलते हैं कि व्हाट अबाउट 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा फॉर 5G? काफ़ी लोग बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। एक्चुअली जो वाइड एंगल कैमरा है 5G में 8 मेगापिक्सल का, उसकी क्वालिटी सीरियसली अच्छी नहीं है। मतलब उसका सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है और उसको थोड़ा भी अगर जूम करोगे तो सब डिटेल्स लॉस हो जाती है, पिक्सल फटते हैं। तो ये एक एक्चुअली एसुस ने गलती की है बोल सकते हो, या फिर कॉस्ट कटिंग की है ऐसे आप बोल सकते हो कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेकेंडरी कैमरा दे दिया है। अगर 8 मेगापिक्सल के बजाय 16 मेगापिक्सल का दे दे तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती। मैं तो एक्चुअली बोलता हूँ कि मतलब वाइड एंगल कैमरा भी 16 मेगापिक्सल और फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 16 मेगापिक्सल और प्राइस अगर 30,000 ही देते और अगर उसमें कुछ डिस्काउंट ना देते तो भी चल जाता। 30,000 आप प्राइस रखो लेकिन दोनों कैमरे 16 मेगापिक्सल दे दो तो यार बहुत ही बढ़िया मतलब ये डील हो जाती। लेकिन पता नहीं मतलब एसुस ने ऐसा क्यों नहीं किया। अभी आगे का एक सवाल है वो कौशल का है, वो बोलते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, 1+6 ले लूँ या फिर 5G ले लूँ, मेरे पास 1+5 था और वो चोरी हो गया। एक्चुअली आपके पास 1+5 था तो आप 1+6 ले सकते हैं, आपको सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आपको सैमसंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए तो 5G जेनफोन 5G ले सकते हो। एक्चुअली एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मतलब मेरे लिए भी कि आपको कौन सा फ़ोन सजेस्ट करें, क्योंकि हर एक का पर्सनल चॉइस अलग अलग रहता है। अभी अगर आप मुझे बोलोगे तो मुझे स्पेशली वन प्लस का स्टॉक एंड्रॉयड जो ऑक्सीजन ओएस काफ़ी पसंद है, या फिर वन प्लस का कैमरा लो लाइट कैमरा का परफॉर्मेंस पसंद है, तो इसलिए मैं वन प्लस खुद के लिए सजेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपका कुछ बजट का प्रॉब्लम रहेगा तो फिर आप 5G के साथ जा सकते हो। आगे का आंसर बोलते हैं कि 1+6 में ऑफिशियल एंड्रॉइड पी अपडेट कब आ रहा है? 1+5T में तो आ गया। एक्चुअली 1+5T में अभी तक नहीं आया, उसने सिर्फ 1+ ने अनाउंसमेंट किया है कि 5T को भी एंड्रॉइड पी मिल जाएगा। और ये सभी जो 1+6 में भी आते हैं, 1+5T में भी आएंगे, या फिर जो भी 1+3, 3T, ये सभी बीटा वर्जन से ना कि फाइनल ओरिजिनल वर्जन है। ओरिजिनल वर्जन जब भी गूगल का पिक्सल 3 लॉन्च होगा उसके बाद ओरिजिनल वर्जन सभी फोन्स में रोल आउट होंगे, क्योंकि जब तक गूगल अपनी तरफ से ये वर्जन ऑफिशियल एंड्रॉयड पी का फाइनल वर्जन जब तक रोल आउट नहीं करता तब तक कोई भी कंपनी फाइनल वर्जन रोल आउट नहीं करेगी, क्योंकि ये एंड्रॉयड ओएस है वो गूगल का ही है। तो जब भी गूगल का पिक्सल 3 आएगा सितंबर में, उसके बाद ही सभी फोन्स को फिर एंड्रॉयड पी अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। आगे अरुण भाई बोलते हैं कि जी कैम अवेलेबल है क्या 5G के लिए? एक्चुअली मैंने पुराने एक वीडियो में किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे 5G के लिए जी कैम का लिंक दिया था, मैंने कभी चेक नहीं किया कि कैसे वर्क होता है क्या होता है। लेकिन अगर आप XDA डेवलपर के साथ XDA डेवलपर के साइट पर जाओगे और अगर आप सर्च मारोगे जी कैम फॉर 5G तो आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे जी कैम के मॉड्स, तो आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग मॉड्स, लेकिन मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया है 5G के लिए। आगे महेश भाई बोलते हैं कि सर आज आपकी वीडियोज़ रेगुलरली आ रही है, अच्छा लगता है। थैंक यू महेश भाई। एक्चुअली सीन कैसा होता है यार, आप सभी को पता है मेरा 9-10 घंटे का जॉब होता है और उसके बाद फिर मेरे बेटे को भी देखना पड़ता है, तो ये सभी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती है। हमारे घर पे माताजी भी रहती है तो उनको भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनको भी मैनेज करना पड़ता है। तो ये सभी फैमिली को टाइम देते हुए मेरे करियर मेरे जॉब को टाइम होने के बाद जो भी टाइम बचता है वो मैं यूट्यूब को देता हूँ। तो डेली में आप बोल सकते हो 1.5-2 घंटा यूट्यूब के लिए दे देता हूँ वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन कभी कभार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो फिर ऐसे में वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए कभी कभी वो डिले हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश तो हमेशा करता हूँ कि दिन का एक वीडियो हमेशा पोस्ट कर सकूँ, लेकिन कभी कभार उसमें मैनेज नहीं हो पाता है। मैं आगे हमेशा कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू रहे हमारा सिलसिला डेली एक वीडियो का। अंशुमन भाई बोलते हैं कि सर ऑनर प्ले ले लूँ या फिर MI A2 ले लूँ? एक्चुअली दोनों ही फोन्स काफ़ी अच्छे हैं 20,000 के प्राइस रेंज में अगर बात करते हैं तो, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो आप ऑनर प्ले के साथ चले जाओ, क्योंकि ऑनर प्ले में 970 आपको किरिन 970 मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 835 के बराबर है और उसमें 4D टर्बो 4D गेमिंग एक्सपीरियंस है, टर्बो इंजन है, सब काफ़ी सारे गेमिंग के उन्होंने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किया है। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो फिर आप ऑनर प्ले के साथ चले जाओ, अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है तो फिर आप MI A2 के साथ चले जाओ, क्योंकि MI A2 में आपको 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, USB टाइप सी है और स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर है। तो दोनों ही फोन्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन ऑनर प्ले हार्डवेयर के हिसाब से काफ़ी पावरफुल है। अभी आगे कौशल बोलते हैं कि
स्टूडियो स्पीकर्स का वीडियो एक बना दो 5G का। एक्चुअली मैंने मेरे जब भी रिव्यू किया था 5G और वन प्लस 6 के कंपैरिजन में, उसमें स्टूडियो स्पीकर्स का साउंड दिखाया था, हालांकि वो थोड़ा ही था, 15-20 सेकंड का एक वीडियो था। लेकिन पर्सनली मैं आपको बोलूँ कि वन प्लस 6 के साउंड क्वालिटी से 5G का स्पीकर्स काफ़ी बेहतरीन स्पीकर्स है, दो स्पीकर्स है इसलिए काफ़ी बेहतरीन साउंड आता है। और वन प्लस 6 आप जब भी फुल वॉल्यूम पे रखोगे तो आपको एक डिस्टॉर्टेड वॉल्यूम आएगा, मतलब आवाज़ फटी है वन प्लस 6 के स्पीकर से, या फिर ऐसे कुछ अलग थी मतलब टोन आता है, वैसे 5G में नहीं आता है। 5G में बास और बाकी सब चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ की है, तो मुझे पर्सनली 5G के स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। मनीष बोलते हैं कि भाई वन प्लस कितने एंड्रॉयड अपडेट दे देता है, क्योंकि वन प्लस 3 में अभी एंड्रॉयड भी आ रहा है। एक्चुअली वन प्लस ने ऑलरेडी बोला है कि 2 साल तक सभी उसके फ्लैगशिप फ़ोन को अपडेट्स मिलेंगे, तो वन प्लस 3 2 साल पहले आया था तो उसको एंड्रॉयड पी अभी मिल जाएगा, वन प्लस फाइव और फाइव डी को एंड्रॉयड पी और एंड्रॉयड क्यू मिल जाएगा, वन प्लस 6 को आगे आने वाले 2 साल के अपडेट्स मिल जाएंगे। तो ये एक चीज़ वन प्लस ने अच्छी की है कि सभी इस फोन को 2-2.5 साल तक वो अपडेट्स दे रहे, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब आज के तारीख में भी आपको 1-1.5 महीने के बाद वन प्लस 3 को भी कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाता है, चाहे फिर वो सिक्योरिटी अपडेट हो या फिर चाहे कौन सा भी नया फीचर हो, वन प्लस 3 को भी ये अपडेट मिल जाता है। लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी नहीं की, वन प्लस 5T को अभी तक फ्रंट फेसिंग पोर्ट्रेट नहीं दिया। पता नहीं, ऑलमोस्ट वन प्लस 6 लॉन्च होने के ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए लेकिन अभी भी 5T में फ्रंट फेसिंग पोर्ट्रेट नहीं आया, और देना चाहिए। सॉफ्टवेयर बेस है तो आप सिर्फ एक कोड ऐड करके आराम से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं किस लिए रुके, या फिर वन प्लस 6T के डिज़ाइन में सभी बिजी है। और इतना तो श्योर है कि वन प्लस 6T का फ़ोन आएगा वो मेरे ख्याल से वीवो नेक्स की तरह ही पॉपअप कैमरा जैसा आएगा और बेजल लेस आएगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला आएगा। ऐसी एक उड़ती खबर है इंटरनेट पर कि वन प्लस 6T ऐसा फ़ोन आएगा, तो अगर ऐसा फ़ोन आता है तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, वन प्लस 6 का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा 6T का, लेकिन फिर उसकी प्राइस भी 40,000 हो जाएगी, जो कि एक मतलब काफ़ी बड़ी हो जाएगी एक नॉर्मल फ्लैगशिप किलर के मुकाबले। तो देखते हैं आगे वन प्लस कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन पर्सनली मुझे वन प्लस एक ऐसी ही कंपनी है जो फ्रिक्वेंटली अपडेट्स देती है पूरे एंड्रॉयड के मोबाइल के वर्ल्ड में, गूगल को छोड़ के, तो इसलिए मुझे वन प्लस काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो में इतना ही क्वेश्चन पिक किया, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाने से बोर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।